मंगलवार को पिंजौर स्थित सीताराम मंदिर में अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट विजय बंसल ने की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय बंसल ने जानकारी दी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों को राजनीतिक हक व सामाजिक कार्य के लिए जागरूक करना है, जिसके लिए आने वाले 27 व 28 अप्रैल को पानीपत से रेवाड़ी तक नव संदेश जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी व 2 अक्टूबर 2013 को करनाल में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने मेरी सिफारिश पे, जैसे कि हमने पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों में और 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने अग्रवाल वैश्य समाज की इकाइयां स्थापित की हुई हैं ब्लॉक स्तर पे भी, तो आज हमने कालका विधानसभा क्षेत्र से राजेश गुप्ता जी एडवोकेट को अध्यक्ष मनोनीत किया है। हमारे जो ये संगठन का मेन उद्देश्य, हमने राजनीतिक मुहिम चलाकर पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों को, अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों को राजनीति में और शासन और प्रशासन में भागीदारी करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, उनको संगठित करके जागृत करके इस काम के लिए कि समाज कार्यों में भी एक अच्छे नागरिक बने और राजनीति में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी करें और अपनी हिस्सेदारी मांगें। इसी उद्देश्य से हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रदेशाध्यक्षों को पिछले दिनों अपने अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से ज्ञापन देकर अपनी हिस्सेदारी मांगी है। हम 16 सीटें विधानसभा की हरियाणा में हैं, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करके अपने उम्मीदवारों को वहाँ सशक्त उम्मीदवारों को उतारेंगे और सभी सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से हमने पूरे हरियाणा में 3 पदयात्राएं अभी तक कर नव संदेश जन जागरण यात्राएं आयोजित कर चुके हैं। अब पानीपत से पिछले दिनों जनवरी में पानीपत से कालका तक की थी, अब पानीपत से रेवाड़ी तक 27-28 अप्रैल को करेंगे, जिसमें सभी उस क्षेत्र आने वाले क्षेत्र के लोगों को जागृत करेंगे और उनके अधिकार के संविधान के प्रति और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे। और 2 अक्टूबर 2013 को करनाल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करके सभी राजनीतिक पार्टियों को शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से हमारा जो ये संगठन है सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को में अपने वैश्यबंदियों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करने वाला संगठन है। वहीं इस दौरान लोकसभा अंबाला के उपप्रधान संजय बंसल, प्रदीप गोयल व अनिल सिंगला को सेक्रेटरी व प्रवीण गर्ग व पवन गुप्ता को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।